समझना, समस्त मत समझना। तो ये संसार रूपी हॉस्पिटल है, ये जीवन आपका जो यहां आप आए हुए हो, आपने इस हॉस्पिटल में प्रवेश पाया है परमेश्वर वाले में, तो ये इस हॉस्पिटल में आप जी को अंतिम श्वास तक इसके टच में रहना पड़ेगा, चेकअप कराते रहना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा अंतिम श्वास तक। जब आपकी मृत्यु होगी तब आपका इस हॉस्पिटल से छुटकारा होगा। जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया वो स्वस्थ होकर के सतलोक चले जाएंगे, जिनका इनकम्प्लीट रह गया उनको फिर से भर्ती हो कराए जा सकते हैं, उनको दोबारा जन्म मिल सकता है जो मर्यादा में रह रही है। लेकिन कोशिश करो कि ये जन्म बढ़े नहीं। मनमाना दोबारा जन्म हो गया, नाइजीरिया में पैदा कर दे, जापान में पैदा कर दे, अमेरिका में, यूरोप में पैदा कर दे, उड़ा सारी बकवाद, भगवान का आसपास भी कोई ना, और वहाँ का बन जाओगे राष्ट्रपति, क्योंकि पुण्यता आपके यहाँ से इकट्ठे किए, वो संग्रह कर लिया, अब काल अपने हिसाब से ठोक कर ठा गए। उड़ा 10 साल रह कर, 5-4 साल रह कर प्रधानमंत्री करके खोटे कर्म सारे, और फिर गधा बन जाओगे। तो यहाँ ये याद दिला जा रहा है कि जब आप यहाँ से जाओगे, सतलोक चलोगे, तो सबसे पहले आप जी इन कमलों से गुजर के सतल त्रिकुटी पर पहुँचोगे, तो वहाँ परमात्मा इस दास के रूप में आपको मिलेगा। किन को मिलेंगे? जो आजीवन इस दास को गुरु रूप में स्वीकार रखेंगे। कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई वाके हृदय में रहू समोई, गुरु का भक्त मेरी आत्मा होगा। और जो गुरु से विमुख हो गया, कहते हैं गुरु सतगुरु विमुखा युग युग रोवे और मानुष जन्म पाके खोए। कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई वाके हृदय में रहूं समोई, गुरु का भक्त मेरी आत्मा होगा। और जो गुरु से विमुख हो गया, कहते हैं गुरु सतगुरु विमुखा युग युग रोवे और मानुष जन्म पाके खोए। तो हमने गुरु जी के साथ संबंध अपना, गुरु और शिष्य का, यानी एक विशेष लगाव, जैसे परमात्मा ने कहा है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। तो गुरु जी को आप जी ने कहते हैं मम संत मुझे जान, कबीर परमेश्वर कह रहे हैं मेरा संत, मम संत मेरा संत, और मुझे जान, मेरा जो संत है उसको मुझे ही समझ, यानी परमात्मा कह रहे हैं मेरे संत को मुझे समझ, परमात्मा समझ। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। तो जैसे गणित में एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और ओरिजिनल मूलधन होता है करोड़ों और अरबों में, वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो ओरिजिनल ना मिल रहा, वो प्रश्न हल हो नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा भी कह रहे हैं कि आप अपने गुरुजी को मेरा ही स्वरूप मानो, तो मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। तो आप जी जैसे परमात्मा के लिए भटक रहे हो और प्रभु आपके समक्ष आ जाते हैं, तो आप कैसा व्यवहार करोगे? आप यहाँ ये दास बैठा इस आश्रम में, और आप यहाँ किस लिए आते हो? इस दास के दर्शनार्थ और ज्ञान सुनने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए। और यहाँ आकर के आपके अंदर ये एक दबाव नहीं बना आत्मा पर, ये प्रभाव नहीं बना कि यहाँ भगवान बैठे हैं, या दास को पता है मेरी क्या औकात है, लेकिन आप जी के लिए आप जी ने वो 100 रुपये मूलधन समझना होगा। फिर आप जी ये सोचो, मान लो इस दास के स्थान पर परमात्मा होते
और तुम फिर भी बकवाद मन में भी सोचते या यहाँ कोई गलती करते, क्या कर सकते या भक्त कर सकता है ऐसी गलती? फिर वो भक्त नहीं, वो तो दुष्ट आत्मा अपना टाइम वेस्ट करने आया, पास नहीं वेस्ट करना है। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आधार बनाना है। तो त्रिकुटी पर जब आपका ओम नाम के जो धन का वो इस काल को अकाउंट दे दिया जाएगा और इससे क्लियरेंस चट मिलेगी, फिर एक सेकंड के अंदर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप इस भक्ति के धन से, भक्ति की कमाई से आप बहुर गुफा में जाओगे और साथ में ये दास के रूप में परमात्मा होगा। बहुर गुफा में पहुंच के वहां से फिर सतलोक नजर आता है, लेकिन बीच में ऐसे बहुत जबरदस्त एक वाल है, दीवार है, जैसे पारदर्शक शीशा होता, शीशे का वैसे समझो, जीव उसको पार नहीं कर सकता, उसमें भी एक ही सुराख है। तो वो सुराख जो है, वो होल जो है, वो तीसरा जो बारहवां द्वार जो है, वो बारहवां द्वार है। दसवां द्वार इस एक ब्रह्मांड से निकल के और इस ब्रह्मांड के शून्य में खुल जाता है। बस ये तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, कुएं की छा कुएं तक रहेगी, ऐसा आत्मज्ञाना। ग्यारहवां द्वार है काल के 21 ब्रह्मांड को पार करके और परब्रह्म के उस अक्षर पुरुष के दो सात संग ब्रह्मांड वाले अक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वो ग्यारहवां द्वार है। और इस सात संग ब्रह्मांड को पार करके जो भौर गुफा से हम आगे को चलते हैं सतलोक में जो प्रवेश करेंगे वो बारहवां द्वार होगा। तो वो बारहवां द्वार वहां जाकर के कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस दास के साथ में आपके पास होगा और आपका वहां वो गेट खुल जाएगा। और उस जो दूसरा मंत्र है सतनाम में दो अक्षर का ही हो, उस दूसरे मंत्र का जाप की कमाई वहां परब्रह्म के अकाउंट में उसको दे देंगे और वो देते ही फिर ऊपर का वो बारहवां द्वार खुल जाएगा। फिर बारहवें द्वार को पार करके हम सतलोक में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह हमारा यहाँ से मोक्ष होगा। अब यहाँ जब हम मृत्यु होगी, ये तो अंडरस्टूड है कि हमने मरना तो होगा ही होगा, तो हमारी फिर लास्ट में जो ये ज्ञान है आप जी के हृदय में समाओगा, फिर आप यहाँ की किसी भी वस्तु में मोह नहीं कर सकोगे, चाहते हुए भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक तो भक्ति का प्रभाव इतना होगा है, और आप फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा वैसे तो कहर है जिसके पास नाम भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, सत्तत्व ज्ञान नहीं है, और वरदान है आपके लिए, क्योंकि आप बुढ़ापे में के बीतता है इसके साथ, बुढ़ापे में शारीरिक दुर्बलता और कई प्रकार के रोग, आँखियाँ तो दिखे नहीं, दांत रहें को नहीं, काना तो सुने नहीं, चला जाना उठा जा कभी भड़क, सारे शरीर में चीस लगी रहे, और फिर कुण परिवार के जन जो भक्तिहीन हैं, परमात्मा से डरते नहीं क्योंकि उनमें वो क्रिया हो ही नहीं सकती दया वाली, तो उसके फिर कैसे कहते हैं परमात्मा, कबीर जी याद दिलाते हैं अब, लेकिन इब तो हम जवान हैं, कोई ना समझ माती का बुढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन मारी समझ में ना आने से बात बने को नहीं, जो मालिक ने आदेश दिया उसको सोचना पड़ेगा, उस पर गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। क्या बताते हैं, बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे, बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे। आप जी को फिर ये वचन सुनने मिलेंगे बुढ़ापे में, जैसे बुढ़ा या बुढ़िया की गेट के ऊपर ड्यूटी लग गया करे, वहाँ एक चारपाई डाल देंगे और नुकार ध्यान रखियो हम बाहर जाते हैं कुत्ते ना बढ़ जाए घर में, कुत्तों के रखवाले होते हैं जब कति कंडम होले, और जब तक हाथ पाँव चलना इतने पोते खिलाने की ड्यूटी हो है कि डांगर
खेतों में ले जाने की ड्यूटी वगैरह पाली भेज जाने बुढ़े ने, तो फिर बुढ़ापा आ जाता है। जैसे को पानी खेत में चली गई पुत्र वधू या कुएं से जल लाते थे उस समय की बातें हैं, तो पुत्र वधू घर पर आई कि तो कुत्ते बढ़ रहे थे, कुत्ते तो खुद मस्ता रह करें कि तो रोटी खंडा दी कि तो थोड़ा बहुत दूध था वो भी पी लिया होगा। तो पुत्र वधू फिर वह उन कुत्तों का छो बुढ़ा बुढ़ी बता रहा करें, उसको क्या कहती है कि परमात्मा कहते हैं बुढ़ा हो पड़े खाट में फिर सुने बचन खारे, ये कड़वे बोल सुनेगा के कहेगी वाह कि कुत्ते ताउन का भी सुख को ना तुम छाती फूकन आ रहे, तेरे कुत्ते तुम कुत्तों को भी नहीं हटा सकते, हमारी छाती फूक दी मेरी आत्मा दुखाओ तुम। तो बुढ़ापा फिर इसलिए आपको एक वरदान होगा जिनको उपदेश प्राप्त है, क्योंकि फिर आपका मन अपने आप हटेगा इनसे, एक तो ज्ञान से, फिर भक्ति का धन आपके साथ होगा, और फिर ये खारे वचन तुम्हारे लिए वरदान बनेंगे आपके लिए, यहाँ से कति मन हट जाएगा। और फिर श्रुति कहाँ लगेगी, फिर आत्मा में कैसी कसक बनेगी, कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस बुगारे, ये बातें याद आवेंगी। और फिर मान ले फिर जन्म हो गया तो ये प्रोसीजर फिर शुरू, व्यवहार ना होया तो चिंता, हो गया तो फिर बड़का की चिंता, बच्चे ना हुए तो चिंता, और हो गए एक आधा मर गया कोई बच गया। अब देखो हमारी टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है यहाँ पर कि दो लड़के तो होने चाहिए, किस लिए कह के बेसिक ना सुनाओ, पर मन में हो एक मर जाते एक तो बच जा, पता है हमने कि मरेगा मर भी सकता है। और एक भक्त बताओ था कि हमारे बहन के हमारी जो किसी रिश्तेदार के उसके चार लड़के थे और एक लड़की, सारी शादी होली और छः महीने में वो पांचों मर गए। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान है ना, ये फिर आपको भय पैदा करेगा, और यू भय अगर जिसने इसका भय मान लिया तो वो बेड़ा पार करवा लेगा। जैसे कोई चोर चोरी करने जाता है और उसको याद दिला जाता है भाई चोरी ना करने चाहिए महापाप का कारण है, पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान से, और फिर दूसरा तुझे पुलिस पकड़ेगी तेरे बक्कल तारेगी काला मुंह करेंगे फिर तुझे जेल में ठोकेंगे वह चाकी पीसेगा। इब कोई इस बात को सच्चाई को न सोचे कि ना उन डरावे हैं, डराने के लिए कह रहे हैं, यो डर भी है और सच्चाई भी है। अगर उसने ना बात स्वीकार की तो उसका वो काम होगा जो उसको बताया जा रहा है कि पकड़ा भी जाएगा, उसका जूते भी लागेंगे, पब्लिक भी बक्कल तारेगी, फिर पुलिस में देगी और फिर जेल जाएगा। तो ऐसे ही जो भगवान हमें बता रहे हैं तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो डर बनेगा, और जो डर गया वो चोरी नहीं करेगा, अर्थात हम फिर यहाँ नहीं फंसेंगे, भगवान की भक्ति से आलस नहीं करेंगे, और इस प्रकार भगवान मिलेगा, वो मिला नहीं तो भगवान मिलना, हम सभी कहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और फिर परमात्मा कोई निराकार बताओ इनकी कोई सिद्धांत है, हमारी भी बुद्धि ऐसी थी पहले क्योंकि काल के द्वारा ये अज्ञान ठोक रखा था, हम विष्णु जी के उपासक दास, हनुमान जी का उपासक, शंकर जी को विशेष पूज्य आदरणीय दृष्टि से पूजा, और फिर भी कभी चर्चा चलती थी भाई ध्यान लगाते हो कहा मेडिटेशन करना चाहिए, तो फिर पूछते थे एक दूसरे से कि मेडिटेशन में कुछ क्या दिखता है, भगवान कैसा है, भगवान तो निराकार है वो दिखता थोड़ा ही है, और भगवान की मूर्ति ले रहे विष्णु जी की और पूजा करा उसकी, अन्य को तो वो तो निराकार है, और भगवान विष्णु जी को फाइनल गॉड मान रहे हम कंप्लीट गॉड, और उसकी मूर्ति बना के पूजा करें और फिर भी कहें भगवान निराकार है। तो ऐसी थ्योरी ऐसा सिद्धांत ये लोक वेद कहलाता है, लोक वेद। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर, सुख सागर ओए ओए। सागर माने समुद्र, और समुद्र का अर्थ जहां जल है जल, दूसरी वस्तु ना हो,
दूसरी चीज विजिबल ना हो,